राम राम किसान भाइयों, मैं सोनू जामलिया आज आपको बताने जा रहा हूँ साजापुर मंडी आलू प्याज लहसुन की आव के। किसान भाइयों, अगर आज तारीख की बात करें तो 14 दिसंबर वार गुरुवार है। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं आलू प्याज लहसुन की आवक साजापुर मंडी में कितनी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, यह आवक आप जो देख रहे हैं सुंदरलाल जी की फटकी देखने को मिल रही है। यहाँ पे इस प्रकार की आवक देखने को मिल रही है। यहाँ पे यह प्याज की आवक देखने को मिल रही है, खाली खाली देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, आगे आप आवक देख सकते हो, थोड़ी बहुत यहाँ भी आवक देखने को मिल रही है। यहाँ थोड़ी बहुत लहसुन की आवक देखने को मिल रही है। यहाँ से वहाँ तक खाली देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, वेदांत ट्रेडर्स यहाँ पे उमिया पे थोड़ी बहुत लहसुन की आवक देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, यारी भाई एंड सन्स पर थोड़ी बहुत प्याज की आवक देखने को मिल रही है। आगे ये देख सकते हो, ये थोड़े बहुत यहाँ पे आलू की आवक देखने को मिल रही है, नए आलू की। किसान भाइयों, यहाँ भी देख सकते हो आप, मंडी खाली खाली ही देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, पाटीदार ट्रेडिंग कंपनी पर ये लहसुन की आवक देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, ये वेदांत ट्रेडर्स पर थोड़ी बहुत लहसुन की आवक यहाँ पे देखने को मिल रही है। कट्टे उतरने का काम चल रहा है, देख सकते हो आप। किसान भाइयों, ये आवक आप जो देख रहे हो गुरुकृपा फटकी देखने को मिल रही है, और ये किसान आलू भंडार की आवक देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो ये प्याज की आवक यहाँ पे किसान आलू भंडार पे देखने को मिल रही है। यह किसान आलू भंडार पे लहसुन की आवक देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, ये आलू के 50 खान कट्टे हैं। किसान भाइयों, अगर आलू की आवक की बात करें तो 100-150 कट्टे कुछ समथिंग आलू की आवक देखने को मिल रही है। अगर प्याज की आवक की बात करें तो यही 800,000 कट्टे कुछ समथिंग प्याज की आवक देखने को मिल रही है, 800 तक ही देखने को मिल रही होगी। और अगर लहसुन की आवक की बात करें तो 800,000 कट्टे लहसुन की आवक देखने को मिल रही है। मैंने पूरी फड़ का व्यू आपको बता दिया है, तो आप भी अनुमान लगा सकते हो।